हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि जब भी कोर्ट आपको कोई समन करता है और आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, तो ऐसी दशा में आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? क्या कोर्ट के पास कुछ ऐसे पावर हैं जिनके तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? इन सभी बातों पर हम विस्तार से आज जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि समन क्या होता है। देखिए, समन एक प्रकार का बुलावा पत्र है। जब भी कोर्ट के समक्ष या किसी सरकारी लोक प्राधिकारी के समक्ष कोई मामला आता है, किसी संबंध में आपकी कोई शिकायत आती है, या कोर्ट या एक सरकारी प्राधिकारी को आपसे कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो ऐसी दशा में ऐसा सरकारी प्राधिकारी या कोर्ट आपको बुलावा पत्र यानी समन भेजते हैं। किसी लोक प्राधिकारी से या फिर किसी न्यायालय से ऐसा बुलावा पत्र यानी समन की प्राप्ति पर आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस अधिकारी के समक्ष या फिर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होता है। देखिए, समन साधारणतः जब भी कोई गवर्नमेंट प्राधिकारी के समक्ष कोई शिकायत आती है, तो ऐसी दशा में उस शिकायत के संबंध में आपका व्यू जानने के लिए भेजा जाता है। जबकि न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद उपस्थित किया जाता है या किसी प्रकार का वाद विवाद पेश किया जाता है, तो ऐसी दशा में उस मामले में एंटी पार्टी यानी जो भी विपक्षी पार्टी होती है या फिर कोई अभियुक्त होता है, तो उस अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष बुलाकर उसके मामले में यानी उस मामले में संपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए समन जारी किया जाता है। समन सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों दोनों में जारी किया जाता है। जब किसी आपराधिक मामलों में समन जारी किया जाता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना ही होता है। यदि आपराधिक मामलों में यानी क्रिमिनल जो ऑफेंस के मैटर्स होते हैं उनमें कोई समन जारी किया गया है और ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति को यानी कोई साक्षी हो या फिर कोई अक्यूज्ड हो वह कोर्ट के समक्ष नहीं आ पाता है और कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं दे पाता है अपने कोर्ट के समक्ष अपीयरेंस के संबंध में, तो ऐसी दशा में उस साक्षी के और जो भी एक्यूज्ड है उस मामले में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। यदि कोई साक्षी कोर्ट के समक्ष नहीं आता या एक्यूज्ड नहीं आता, तो ऐसी दशा में समन के स्थान पर वारंट जारी कर दिया जाता है। और जब वारंट जारी करने के बाद भी ऐसा साक्षी या एक्यूज्ड कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी दशा में उसे एडब्ल्यू से कोर्ट के समक्ष बुलाया जाता है। एडब्ल्यू वारंट जब जारी कर दिया जाता है, तब जो भी साक्षी होता है, जो भी एक्यूज्ड होता है, उसे पुलिस अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित करता है और वहां पर उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष लाया गया है जमानत लेनी पड़ती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है, उस व्यक्ति की ये ड्यूटीज है कि वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो और जिस किसी मामले में उसे बुलाया गया है उस मामले में सही सही से पूरी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करवाए। और जब कोई समन किसी एक्यूज्ड को बुलाने के लिए जारी किया जाता है, तो ऐसी दशा में उस एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होता है। यदि एक्यूज्ड भी कोर्ट के समक्ष नहीं उपस्थित होता है या कोई रीजनेबल कारण नहीं दे पाता है, तो ऐसी दशा में एक्यूज्ड के खिलाफ बीडब्ल्यू वारंट जारी करने के बाद यदि बीडब्ल्यू वारंट के बाद भी वह उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसके खिलाफ एडब्ल्यू यानी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है और उसे भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया जाता है। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 61 से लेकर 69 तक समन के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 70 से लेकर 81 तक वारंट के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। किसी भी समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर डाक के माध्यम से भेजकर करवाई जाती है। यदि कोई समन डाक के माध्यम से भेजा गया है और उस दशा में उस समन को लेने से कोई व्यक्ति इनकार कर देता है और उस पर डाक प्राधिकारी द्वारा ये प्रष्टांकन कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने समन को लेने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी दशा में भी समन की तामील हुई मान ली जाती है। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोर्ट को किसी ऐसे मामले में अवगत करवाया जाता है कि समन निकाल दिया है और समन की तामील हो गई है, उसके बाद भी जो भी मुजरिम है, जो भी एविडेंस देने वाला साक्षी है, वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, तो कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। और कई बार जो भी पार्टीज होती हैं यानी जो वादी होता है या जो परिवादी होता है, शमन की तामील में हेराफेरी करवा देते हैं। ऐसी दशा में शमन की तामील अभियुक्त पर या साक्षी पर नहीं हो पाती है और उसे ये पता नहीं चल पाता है कि उसके संबंध में कोर्ट ने शमन जारी किया है, तो ऐसी दशा में भी आपको जैसे ही इस संबंध में पता चलता है, तो आप कोर्ट के समक्ष स्वयं जा सकते हैं और आप कोर्ट को बता सकते हैं कि हमें एक ऐसी जानकारी किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है और हमें इस मामले में कोई समन नहीं मिला है। ऐसे मामले में तुरंत ही आपके मामले पर संज्ञान लिया जाता है और कोर्ट विचार करता है। और यदि किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई समन जारी किया है
और समन जारी करने के बाद आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है और ऐसा वारंट जो बेलेबल हो या फिर नॉन बेलेबल हो, तो भी आपको कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर ऐसे मामलों में आप कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। ऐसी दशा पर आपको कोर्ट तुरंत ही जमानत पर छोड़ने का अधिकार रखता है। यदि जमानतीय मामला है तो आपको कोर्ट तुरंत ही जमानत पर छोड़ देता है। वारंट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी या फिर कोई न्यायालय का अधिकारी जब जमानतीय अपराध की दशा में वारंट का निष्पादन करता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति पर वारंट की तामील करवानी हो, उस व्यक्ति को जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे जमानत पर छोड़ देता है। जबकि AW यानी अरेस्ट वारंट की दशा में उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पकड़कर लाना ही होता है, जहां पर यदि वह व्यक्ति अपनी संबंध में जमानत देने में सफल रहता है और कोर्ट उस मामले में संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देना चाहिए, तो उसे कोर्ट द्वारा भी जमानत पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि जमानती अपराध में अभियुक्त का जमानत पर छूटने का अधिकार होता है, जबकि अजमानती अपराध यानी गैर जमानती अपराधों में अभियुक्त का जमानत पर छूटने का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे मामलों में कोर्ट उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार भी कर सकता है। तो ये थे कोर्ट के द्वारा समन जारी करने के बाद की प्रोसेस। यदि आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो कोर्ट क्या क्या आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। मेरा सजेशन ये है कि जब भी कोर्ट आपके लिए कोई बुलावा पत्र यानी समन जारी करता है, तो ऐसी दशा में आपको कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाना चाहिए। समन एक महज बुलावा पत्र है, लेकिन समन अपराधी के संबंध में भी जारी किया जाता है, साक्षी के संबंध में भी जारी किया जाता है, और किसी सिविल मामलों में डिफेंडेंट यानी जो प्रतिपक्षी होता है उसके संबंध में भी जारी किया जाता है। जहां पर समन किसी प्रतिपक्षी को जारी किया गया है यानी प्रतिवादी को जारी किया गया है, ऐसी दशा में यदि सिविल मामलों में प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उस वाद को यानी जो वादी ने वाद लाया है उस वाद में एक पक्षीय डिग्री पारित की जा सकती है। और जहां समन किसी साक्षी को या फिर किसी अभियुक्त को जारी किया गया है और अभियुक्त या साक्षी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में उनके खिलाफ वारंट भी निकाला जा सकता है। जब भी समन जारी होने के बाद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की दशा में वारंट निकाला जाता है, ऐसा वारंट बेलेबल वारंट होता है यानी जमानतीय वारंट होता है। यदि इसके बाद भी अभियुक्त या साक्षी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो ऐसी दशा में AW यानी अरेस्ट वारंट निकाला जा सकता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर ऐसे साक्षी को, ऐसे अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पकड़कर ही लाता है। यदि आपके खिलाफ ऐसा कोई वारंट निकल चुका है, तो जैसे ही आपको पता चलता है, आप अपने वकील के माध्यम से, यानी अगर आपने कोई वकील नहीं किया है, वकील करते हुए कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं और कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होने का वैध कारण देकर उन्हें बता सकते हैं कि मैं इस कारण से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, और कोर्ट से जमानत प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको जब भी आपके संबंध में कोई वारंट निकाल दिया जाता है और आप फरार रहते हैं, तो ऐसी दशा में आपको कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होता है। यदि आप ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष नहीं आ पाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको कोर्ट के समक्ष लाता है। यदि आप ऐसा सोचते हो कि मेरे संबंध में एक बार कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, भविष्य में मुझे परेशान नहीं करेगा, तो ऐसी दशा में आपको ये ध्यान रहे कि वारंट कभी भी निष्पादित किया जा सकता है जब तक वह वारंट कोर्ट द्वारा वापस से नहीं ले लिया जाता। यानी उस वारंट के आधार पर आपको 5 या 10 साल बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसी दशा में सबसे उत्तम यही रहेगा कि जब भी आपको कोर्ट के माध्यम से कोई समन प्राप्त होता है, तो ऐसी दशा में आपको कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाना चाहिए। यदि आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए हो, तो ऐसी दशा में आपको जब भी इस संबंध में पता चलता है, तो वैध कारण को दर्शाते हुए कोर्ट के समक्ष आप उपस्थित हो सकते हैं। यदि आपके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, तो भी आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपने आप को सरेंडर अपने वकील के माध्यम से कर सकते हैं, जिस पर आपको जमानत पर छोड़ दिया जाता है।